नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हो। गाइस, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट एजुटेक प्लेटफॉर्म पे, दैट इज अन अकेडमी। दिस इज द अन अकेडमीज यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अन अकेडमी। तो गाइस, हम कल कर रहे थे इंडो यू रशिया रिलेशंस। ओके, सो कल बच्चों क्लास मेरे को बीच में थोड़ा ब्रेक लेना पड़ गया था, बिकॉज आई टोल्ड यू देयर वाज सम प्रॉब्लम। एनीवेज गाइस, टुडे विल कम्प्लीटली यू नो डू द पार्ट वन, और कल जो पूरा करना था वो आज हम कर देंगे पूरा। ओके, और अब स्टूडियो का प्रॉब्लम भी फिक्स हो गया है, तो आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम आएगा। अभी क्लास रेगुलरली होंगे सारे, कल हमारे क्लास नहीं हो पाए थे। सो स्वागत है आप सभी का बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, प्रॉब्लम रिजॉल्व, बिल्कुल रिजॉल्व हो गई है। रेखा, गौरव, गुड आफ्टरनून। शुभम, गुड आफ्टरनून। राम सोलंकी, गुड आफ्टरनून। ओके, वेरी गुड। सो बच्चों चलते हैं क्लास की ओर, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों सिक्योर प्रीलिम्स, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, इनिशिएटिव चल रहा है मेरे द्वारा 11 बजे और 3 बजे पूरे जीएस कर रहे हैं। टॉप क्लास, टॉप पे रहती है क्लास, फ्री क्लास है, अनअकैडमी की ऐप पे होती है मगर। ओके, तो ऐप पे अगर आप नहीं हो अब तक अनअकैडमी के, तो बच्चों आपको अनअकैडमी की ऐप पे होना चाहिए। सिड यूपीएससी कोड यूज करके आप सारी फ्री क्लासेस को अनलॉक कर सकते हो, अनअकैडमी की ऐप के ऊपर है। अपना रैंकिंग ऑल इंडिया लेवल पे क्या है, प्राइजेस जीत सकते हो आप अनअकैडमी कॉम्बैट के अंदर। सिड यूपीएससी यूज करके कोड आप इसमें भी फ्रीली एनरोल कर सकते हो। इंडिया की बच्चों लार्जेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये, और आपको ये एक्चुअल आपका पोजिशन बता देगी कि आप अभी कितने पानी में हो। यहाँ अगर टॉप टॉप यू नो 2000, 3000 में अगर आप आ रहे हो, तो आप प्रीलिम्स ऑलमोस्ट श्योर है कि आप निकाल लोगे। ओके, तो इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर संडे को 11 बजे टेस्ट होता है इसके अंदर। बाकी ये और सारी टेस्ट सीरीज है, इनको भी आप यूज यू नो दे सकते हो, SID UPSC कोड लगा के फ्री में एनरोल कर सकते हो। ओके, मेगा सब्सक्रिप्शन और बच्चों बुक का ऑफर चल रहा है, 28 अप्रैल तक ऑफर रहेगा। आपको पता है 28 अप्रैल तक आप लेते हो तो आपको दोनों फायदे मिलेंगे एक साथ, बुक्स भी मिलेंगी और एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन है जो कि मेगा सब्सक्रिप्शन। तो बच्चों गिनती के दिन रह गए हैं अब। ओके, ओनली 7 डेज आर लेफ्ट, सो टेक योर डिसीजन ओके क्विकली। एंड यू नो ऑन द सब्सक्रिप्शन ऑन द प्लेड प्लेटफॉर्म्स आइकॉनिक प्लस पे आप टॉप एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो इंडिया के। ओके, मैं भी पढ़ाता हूँ प्लस प्लेटफॉर्म्स पे इन द बैचेस में आप मुझसे भी मुलाकात होगी। तो गाइस ये बैचेस चालू हुए हैं आज से, तो आज ही आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और अच्छे से एक स्ट्रक्चर्ड और एक टाइमली मैनर के अंदर सारी टेस्ट सीरीज, सारा मटेरियल हिंदी इंग्लिश का अलग अलग, ऐसा नहीं है, सारी PDF सब कुछ अवेलेबल है प्लस और आइकॉनिक पे। ओके, सो यू कैन गो देयर, स्टार्ट फ्रॉम द टुडे सक्सेस स्टोरीज ऑफ द 2019 फ्रॉम द प्लस कोर्सेस। ओके, जब भी आप जाएं बच्चों आप सिड यूपीएससी कोड यूज करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि सिड यूपीएससी कोड की स्पेशल बात यह है कि इस पर मैं आपको पर्सनली मेंटोर और गाइड करता हूँ फोन पे, ठीक है। तो कोड यूज करें, 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको। और गाइज आई विल सजेस्ट यू गो फॉर द कॉम्बो ऑप्शंस, ठीक है। कॉम्बो लें बच्चों, जहां पे आप मेरा कोड यूज करके 25% तक डिस्काउंट आप पा सकते हो, 25-30% तक आप डिस्काउंट पा सकते हो। गाइज ऑप्शनल एक बहुत ही मेन क्रूशियल फैक्टर होता है आपकी मेंस में, आपकी रैंक जो डिटरमाइन करता है अल्टीमेटली आप IAS बन रहे हो, IPS बन रहे हो, IRS बन रहे हो, IRTS बन रहे हो, या इंडियन पोस्टल सर्विस में आप जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप इंटरव्यू तक ही पहुंच पाए, आपका लिस्ट में नाम ही नहीं आया। तो यहाँ पे ऑप्शनल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इवेंचुअली आपको मेंस तो देना ही है पर ऑप्शनल आपको करना ही है। तो जो अभी अगर आप साथ में अगर ऑप्शनल का लोगे तो आपको 12-13 हज़ार में पड़ जाएगा पूरे साल का, ऑप्शनल भी आप उसमें इंक्लूडेड है, सारे ऑप्शनल उसमें आ जाते हैं, कोई आपको अभी चूज नहीं करना है ऑप्शनल, अपना बताना नहीं है। और आपका बाकी जो आइकॉनिक या प्लस के साथ आप ले रहे हो उसमें भी आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। SID यूज करें, SID UPSC कोड यूज करें और बेस्ट, इसके बाद आपको कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद बस मेरी गाइडेंस के अंदर पढ़ाई करनी है प्लस पे और आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म्स पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। सो भाई एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी था यार, मैंने 5 बार एग्जाम दिया है ज्योग्राफी से, मेंस दिया है। तो बच्चों आप जा सकते हो, ऑप्शनल जरूर लें, बाद में बच्चे लेते हैं फिर उनको अलग से एक्स्ट्रा, अगर आप सिंगल ऑप्शनल का देखोगे तो 25-30 हज़ार रुपये कॉस्ट है, ठीक है। और अगर आप कॉम्बो में लोगे तो आपको 12-13-14 हज़ार में मिल जाएगा, तो काफ़ी फर्क है। सो कॉम्बो ऑफर्स का बेस्ट इस्तेमाल कीजिए। चॉइस इंडो रशिया रिलेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे आल्सो। ओके, दो ही देश हैं बच्चों दुनिया में जिनसे
रिलेशन बड़े हर देश के लिए जरूरी है, उनसे संबंध कैसे हैं आपके, वो आपके बहुत ज़्यादा सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल उनके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, और वो देश हैं यूएसए और रशिया। इसलिए मैं आपको पहले ही करा रहा हूँ, ये यूएसए हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपको पता है, अब रशिया हम कर रहे हैं। ओके सो गाइस, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ओके बच्चे, ताकि आ जाए सारे के सारे। राइट ओके सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल दीज थिंग्स, मैंने आपको पहले सब बता दिया था, इंट्रोडक्शन बच्चों दे दिया था, कुछ खास नहीं है यहाँ पे, जो एक अभी जो प्रेजेंट इंट्रोडक्शन था मैंने दे दिया था, लेकिन इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अभी के अंदर। कल मैंने आप इंट्रो दिया था और कल मैंने यहाँ पे क्लास को रोकनी पड़ गई थी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन। देन गाइज आई विल नाउ बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में हिस्टोरिकली इंडिया और रशिया के रिलेशंस। आपको पता है बच्चों रशिया को सोवियत यूनियन कहा जाता था, यूएसएसआर कहा जाता था 1991 तक। तो 1991 बच्चों से पहले ये यूएसएसआर हुआ करता था ओके, उसके बाद इसका विघटन हो गया, ब्रेक हो गया ये, और इसमें से कई सारे देश इसके से टुकड़े टुकड़े हो गए, और रशिया एक बड़ा इसमें देश निकल के आया ठीक है। 80% जो यूएसएसआर था वो रशिया ही था, तो रशिया निकल के आया 1991 के बाद में। अपन अब गाइस चेकआउट करते हैं कि अब पूरा इसका हिस्टोरिकल लेगेसी पूरी चेक करते हैं कि रशिया में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ, कैसे वहां का जो रिवॉल्यूशंस हुए उसका इफेक्ट बच्चों इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया में जो चल रहा था। और मैंने आपको कल एक बात बोली थी कि बच्चों नेचुरली शुरू से ही हम क्या है, कोल्ड वॉर में जब हमें यूएसए को चुनना था कि हम यूएसए के साथ रहें या रशिया के साथ रहें, तो हालांकि हमने बोला कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन दिल हमारा अंदर से रशिया यानी कि यूएसएसआर के लिए ही धड़कता था। नेहरू जी का उस टाइम के जो लीडर्स थे वो रशिया से ज्यादा क्या है इंप्रेस थे, क्यों थे वो अब आपको पता चलेगा। अब आप हम इंटीग्रेट करेंगे सब्जेक्ट्स को, जो हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस का, तीनों का आपको पिक्चर यू नो क्लियर होगी, कैसे हिस्ट्री और आपका यू नो पॉलिटी इफेक्ट डालती है आईआर पे, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो थी 1947 के बाद में कैसे उस पर प्रभाव पड़ता है। रशिया में जो रिवॉल्यूशन होता है, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, अगर आपने सुना हो तो, सुना होगा जो बच्चे थोड़े बहुत भी पढ़ चुके हैं वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह। चॉइस क्या होता है बच्चों 1917 तक ओके, चॉइस 1917 तक राजाओं का राज चलता है, जिनको कहते हैं जार, TSAR, ये जो राजा होते हैं ये राज कर रहे होते हैं यूएसएसआर पे, सोवियत यूनियन जो होता है, तब सोवियत यूनियन बना भी नहीं होता, ये जो इलाका होता है ठीक है, इस इलाके पे राजाओं का राज होता है, जार कहते हैं उसको। तो वो जो जार एक राजा होता है, किंग होता है, और बच्चों किंग आपको पता है जब राजा के जब राज चलता है तो या तो राम राज्य होता है वो, या फिर वो वहां पे जो लोग हैं वो परेशान ही रहते हैं अगर राजा अगर सही ना हो। तो इसी तरह से बच्चों ये जार होता है, जो आपके निकोलस जिनका नाम होता है ठीक है, निकोलस, ये जार निकोलस टू होते हैं उस टाइम पे राजा, इनसे गाइज लोग क्या है परेशान हो जाते हैं यूएसए वहां के इनकी पॉलिसीज से लेके, खास तौर पे ये अननेसेसरली रशिया को वर्ल्ड वॉर वन के अंदर यू नो घुसा देते हैं, जबकि रशिया का कोई लेना देना ज्यादा होता नहीं है उससे, और इनकी वजह से अननेसेसरी देश को युद्ध करना पड़ता है, जिससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक और सोशल वहां पर जो स्टेटस होता है वो लो हो जाता है, और देश में बहुत गरीबी आ जाती है, और बहुत एक रिवोल्ट बच्चों राजा के खिलाफ आपके छिड़ जाता है, और जिसके लीडर होते हैं व्लादिमीर लेनिन साहब। इनका नाम हर बच्चा, आई डोंट थिंक सो कि इनका नाम लेनिन का नाम आपने सुना ना हो, तो बच्चों यहाँ से लेनिन पिक्चर में आते हैं, जैसे हमारे यू नो लीडर्स थे महात्मा गांधी, उन्होंने रिवोल्ट किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, ऐसे ही बच्चों लेनिन यहाँ पे जार के खिलाफ लड़ते हैं और कहते हैं जार को हटाओ, राजा को हटाओ और एक सोशलिस्ट स्टेट बनाओ। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट स्टेट मतलब जहाँ पे हर आदमी ओके
जाके हर आदमी का बराबर अधिकार हो, कोई बड़ा कोई छोटा ना हो, हर आदमी को खाना मिले, रोजगार मिले, बराबर का हक मिले, ठीक है। ऐसा नहीं सोसाइटी में 10% लोगों के पास ही सारा पैसा है, बाकी लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं। तो बच्चों ये आइडियोलॉजी कौन सी होती है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं इसको, ओके। दिस आइडियोलॉजी को कहते हैं कम्युनिस्ट। ये आइडियोलॉजी किसने दी थी, ये विचारधारा किसकी है, मार्क्स की, जो फिलोसफर है मार्क्स, उनकी ये विचारधारा होती है। और बच्चों इस विचारधारा को उन्होंने तो थ्योरी लिख दी किताब में कि ऐसे ही होनी चाहिए सोसाइटी, इसको प्रैक्टिकल बनाते हैं लेनिन साहब। और बच्चों लेनिन वहां पे रेवोल्यूशन करते हैं, रशियन रेवोल्यूशन जैसे कहा जाता है, रशियन रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन 5-6 साल चलता है बच्चों, और इसका रिजल्ट होता है यूएसएसआर बन जाता है, ठीक है। राजा को हटा दिया जाता है प्रजा द्वारा, ओके। इस रशियन रेवोल्यूशन बच्चों 3 रेवोल्यूशन होते हैं, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन होता है पहले, ठीक है, ड्यूल पावर होता है, बोल्शेविक और मेंशेविक। अगर आपने बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने ओके स्वराजिस्ट उनको पढ़ा होगा, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को। मॉडरेट्स क्या करते हैं, वो चाहते हैं चेंजेस करना ब्रिटिश इंडिया के अंदर, मगर धीरे धीरे सरकार से हाथ जोड़ के, ब्रिटिशर से, प्रेयर पिटीशन और यू नो प्रोटेस्ट उनकी फिलोसफी होती है मॉडरेट्स की। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं बाल गंगाधर तिलक और ये लोग थोड़े गर्म खून वाले होते हैं, और एकदम से इनको यू नो बिल्कुल फेंकना है अंग्रेजों को देश से निकाल के, इस तरह की आइडियोलॉजी होती है। तो बच्चों इसी तरह से बच्चों रशिया के अंदर बोल्शेविक्स होते हैं और मेंशेविक्स होते हैं। मेंशेविक्स जो होते हैं बच्चों वो चाहते हैं कि रशिया में रिवोल्यूशन होए, पावर बदले, जार हटे, ओके, लोगों को इंसाफ मिले, लेकिन धीरे धीरे, लड़ाई दंगे से नहीं, धीरे धीरे करना है। और बच्चों बोल्शेविक्स होते हैं एक्सट्रीमिस्ट, के आज ही राजा को हटाओ और कल से ही नई सरकार और नया गवर्नेंस सिस्टम चलेगा यूएसएसआर के अंदर। और बच्चों फाइनली कल्मिनेशन होता है अक्टूबर रेवोल्यूशन के अंदर, अक्टूबर रेवोल्यूशन, और इसके अंदर बोल्शेविक्स जीत जाते हैं, और बोल्शेविक्स जो है यू नो राजा को हटा देते हैं, निकोलस जार को हटा देते हैं। और गाइस ज्यादा डिटेल में जाना इससे जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा डिटेल में जाना इतना काफी है। और अल्टीमेटली बात यह है कि वहां का जो राजा होता है, जार होता है, वो हट जाता है, और वहां पे एक सोशलिस्ट यानी कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ जाती है पावर के अंदर, और लेनिन साहब वहां के जो आपके प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। और गाइज यूएसएसआर भी बन जाता है साथ साथ में। तो यूएसएसआर गाइज फर्स्ट स्टेट है, यूएसएसआर पहला स्टेट होता है जो कि वर्ल्ड में सोशलिस्ट स्टेट होता है, ये कैपिटलिज्म को बढ़ावा नहीं देता। 1922 के अंदर बनता है ये, कैपिटलिस्ट को बढ़ावा नहीं देते, ये नहीं कहते फैक्ट्रियां लगाओ, अंबानी अदानी और बिल गेट्स चाहिए हमें, वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए हर आदमी का बराबर हक हो, बराबर सबको, ये आइडियोलॉजी होती है जो कम्युनिस्ट में, ओके, डेमोक्रेसी के खिलाफ के अगेंस्ट एक आइडियोलॉजी है ये, ओके। अब गाइस आप पिक्चर इधर देखो, वहां क्या चल रहा है, बात चल रही 1920s की, ओके। अब क्यों हमारा दिल क्यों धड़कता है यूएसएसआर की तरफ, ये रीजन आप आपको रिलेट करना होता है। अब आपने जो टॉपर्स के इंटरव्यू सुने हैं, अगर आप थोड़ा देखते हो, अगर आप वाकई में कर रहे हो एग्जाम की तैयारी सीरियसली, तो आप पढ़ते होंगे टॉपर्स के इंटरव्यू, और आप एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी आपने सुने होंगे, तो सब कहते हैं रिलेट करना सीखो, दूसरे एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करो। तो अब आपको मैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रिलेट करवा रहा हूँ हिस्ट्री से, सोचो आईआर को रिलेट कर रहे हैं अपन हिस्ट्री से। तो क्यों ऐसा होता है गाइस कि हम इससे इंप्रेस होते हैं, क्योंकि गाइज 1920 के अंदर रशिया में लोग परेशान होते हैं जार से, और यहां इंडिया में हम परेशान होते हैं ब्रिटिश सरकार से, समझ गए। वहां पे जार को फेंक दिया जाता है निकाल के, और एक सोशलिस्ट स्टेट बनाया जाता है। तो वो जो भारत में भी एक लहर आ जाती है कि यार हमें भी इस तरह का स्टेट बनना है। 1930 तक ये हमारे बिल्कुल हर लीडर जो है भारत का, वो रशियन रेवोल्यूशन टाइप कुछ चाहता है भारत के अंदर। भगत सिंह वगैरह बहुत बड़ा फैन होता है वो लेनिन के, भगत सिंह और जो उस टाइम के जो लीडर थे। ये 1930s में इंडिया के लीडर्स पागल हो जाते हैं कि यार रशिया जैसा कुछ करना है भारत के अंदर, जैसे रशिया में एक सोशलिस्ट है जहां पे हर आदमी कोई भुखमरी नहीं है, कोई कुछ नहीं, इस तरह का बनना है। तो जो यहां से हमारा क्या है, दिल लग जाता है रशिया से, ओके। लेकिन हम तो गुलाम है अभी खुद ही, हम तो कर नहीं पाते, तो क्या ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। तो जैसे ही हमें मौका मिलता है 1947 में, जैसे ही हमें मौका मिलता है आजाद हो जाते हैं, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी अब हमारे हाथ में होती है, ओके।
अब इसको हम अपनी अपने हिसाब से चला सकते हैं, जैसे हमें चलानी है उस हिसाब से चला सकते हैं, ओके। हालांकि हम बोलते हैं कि हम किसी भी गुट के साथ नहीं है, गुटबाजी के हम खिलाफ है, लेकिन दिल जो है हमारा कहीं ना कहीं रशिया से थोड़ा इंप्रेस होता है, यूएसएसआर से थोड़ा इंक्लाइंड होता है। और बच्चों इन्हीं दो फेजेस में हम पढ़ेंगे आज आज रिलेशन आपके रशिया और यूएस इंडिया के 1947 से लेके 1991 तक, ओके। क्यों चुना है मैंने 1947 को, क्योंकि बच्चों 1947 में आजाद हुए तब हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो एक्चुअल में हमारे हाथ में थी, उससे पहले हमारी फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिशर्स तय करते थे, लेकिन अब हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे हाथ में थी। 1991 में क्यों चुना है मैंने पार्ट वन के लिए, क्योंकि बच्चों 1991 के अंदर सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था, यूएसएसआर है जो ब्रेकअप हो जाता है और जिससे आज का रशिया बनता है। तो 1991 तक मैं यूएसएसआर शब्द का प्रयोग करूंगा, ओके। और 1991 के बाद में जब रशिया उसका सक्सेसर होता है फिर ये रिलेशंस है, ओके। हो सकता है गाइस आज अपन सिर्फ ये वाला पार्ट करेंगे क्लास में, आज हम पार्ट ये करेंगे, ठीक है, कल हम ये वाला पार्ट करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा 1947 से लेके 1991 तक, और कल मैं आपको इस क्लास को कंप्लीट करा दूंगा, और कंप्लीट होने के बाद मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे एक बार मेरा पेज देख सकते हो, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप जिनको नहीं पता Siddharth_UN, ठीक है, ओपन प्रोफाइल है, पब्लिक प्रोफाइल है, ऑफिशियल अकाउंट है, आप Siddharth_UN पे जा सकते हो, और वहां से टेलीग्राम चैनल अगर आप नहीं जुड़े हो तो वहां जुड़ सकते हो, वहां पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारी पीडीएफ वहां पे मैं क्लास खत्म होने के बाद भेज देता हूं, ओके। बिल्कुल सोशलिस्ट, गुड आफ्टरनून, गुड नून सीमा, ठीक है गाइस स्टार्ट करते हैं पार्ट वन, फिर कोई डाउट अगर आपको तो पूछ सकते हो आप क्लास के अंदर, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, लेट्स स्टार्ट द पार्ट वन। तो जो पार्ट वन में क्या होता है, जैसे ही बच्चों भारत आजाद होता है सबसे पहले, ओके, इवन अभी तो 15 अगस्त आया भी नहीं था और हम अनाउंस कर देते हैं कि सोवियत यूनियन, ठीक है, से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हम अनाउंस कर देते हैं, एक्चुअल में पावर ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन उससे पहले ही हम अनाउंस कर देते हैं, इतना हमें प्यार होता है सोवियत यूनियन से, समझ सकते हो आप। तो ये गाइस होता है, और बच्चों 1955 में जवाहरलाल नेहरू जाते हैं सोवियत यूनियन, ठीक है, इसी उसी साल बच्चों निकिता क्रुश्चेव जो रशिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो भी भारत में आ जाते हैं, मतलब आप समझ रहे हो हम एक बहुत छोटे देश होते हैं उस समय पे, एक छोटे देश का प्रधानमंत्री जा रहा है बहुत बड़े देश में, वर्ल्ड में दो सुपर पावर होते हैं समय पे, यूएसए और यूएसएसआर, और उसी साल जैसे नेहरू जी जाते हैं उसी साल दोबारा वहां के प्रेसिडेंट इतने बड़े देश का आ रहा है भारत के अंदर उसी साल, क्या खास बात है, कुछ खास बात होगी, क्योंकि बच्चों उस टाइम चल रहा होता है कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर में अमरीका हमारे अलग पीछे होता है कि तू हमारे साथ आ जा, और सोवियत यूनियन वो अलग वो हमको अपनी तरफ मिलाना चाहता है। तो आप डेस्परेटनेस देख सकते हो यहां पे रशिया की कितनी है, कितना परेशान है वो कि इंडिया हमारे साथ जुड़ जाए और कोई समझौता कर ले और फॉर्मली कानूनी तौर पे हमारे साथ हो जाए, लेकिन बच्चों इंडिया तो हम तो नैम वाले हैं, तो नैम वालों में तो मना कर दिया हमने, नैम हम तो नैम को आगे बढ़ा रहे हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, किसी से अलाइन नहीं हुई, कोई गुट में हम शामिल नहीं होंगे, समझ रहे हो। तो कुछ खास निकिता क्रुश्चेव साहब यहाँ पे आते हैं, ये उनकी फोटो भी है यहाँ पे लगी हुई है जो, और मगर कुछ खास वो उनको मिलता नहीं है इंडिया से, ठीक है, क्योंकि हम नैम की आइडियोलॉजी पे चलते हैं, यानी कि किसी के साथ न्यूट्रल रहना है, ठीक है, न्यूट्रल रहना है मैं भी, ओके। 1962 में बच्चों भारत की जंग हो जाती है चाइना के साथ, आप सब जानते हो। अब यहां पे बच्चों चाइना और यूएसएसआर बहुत अच्छे दोस्त होते हैं क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट देश होते हैं, ओके, दोनों कम्युनिस्ट देश होते हैं, यहां पे यूएसएसआर और चाइना कम्युनिस्ट देश होते हैं, और चाइना की जंग हो जाती है भारत से, लेकिन गाइस यूएसएसआर इसके बावजूद न्यूट्रल रहता है, वो चाइना की कोई मदद नहीं करता, चाइना उसका दोस्त होता है, वो कुछ भी नहीं करता, वो न्यूट्रल रहता है। और यहां पे मैंने आपको बताया था यूएसए, अब यूएसए को लगता है मौका सही है इंडिया को इंप्रेस करने का, ओके, अपीज करने का, तो यूएसए गाइस इंडिया को इंप्रेस करने के लिए बहुत मदद करता है, हमारे लिए वो यू नो हथियार गोली वोली बंदूके भेजता है, ओके, अपना एक लड़ाकू एयरक्राफ्ट कैरियर भी वो बल्कि
भारत की तरफ यू नो भेजना भेज देता है एक तरह से, समझ रहे हो आप। और इस तरह से यूएसए हमारी मदद कर पाता है इस वॉर में, लेकिन रशिया हमारी कोई मदद नहीं करता, न्यूट्रल रहता है, लेकिन वो भी बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन बच्चों क्रुश्चेव के टाइम पे, जब ये निकिता क्रुश्चेव वहां के प्रेसिडेंट रहते हैं, उस टाइम भारत भारत को कई तरह की मदद मिलती है, ओके। और इंडिया को यूएसएसआर चाइना से भी एक टाइम पे ऊपर ले जाता है। आज बच्चों मैंने बताया था कल आपको, आज अगर रशिया को चुनना पड़ जाए इंडिया और चाइना में से, तो चाइना को चुनेगा। लेकिन बच्चों यहां पे इस समय में 1960s की बात कर रहा हूं मैं, हमारे को ज्यादा मदद करता है यूएसएसआर, हमारी ज्यादा मदद करता है, मिलिट्री एड हो, इकोनॉमिक एड हो, पैसा हो, मिलिट्री असिस्टेंस हो, हमें देता है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करता है, ओके। MiG-21 देता है भारत को, और भी कई तरह के हथियार वगैरह देता है, और MiG-21 को डिनाई कर देता है चाइना को, क्योंकि बच्चों चाइना का क्या है, बॉर्डर लगता है यूएसएसआर से, जैसे हमारे बॉर्डर लगते हैं पाकिस्तान से, चाइना से, और इनमें बॉर्डर को लेके विवाद हो रहा होता है, कई इनमें टेंशन हो रही होती है, लेकिन इंडिया से सच कोई विवाद नहीं होता, इसलिए इंडिया को हायर प्रायोरिटी पे रखता है, एक अच्छा दोस्त मानता है रशिया यानी कि यूएसएसआर। तो गाइस इस तरह से कुछ यू नो 1940s, 50s, 60s में कुछ इस तरह का हाल होता है। तो जवाहरलाल नेहरू साहब पहली बार जाते हैं 1955 के अंदर, उसी साल वहां के प्रेसिडेंट आते हैं। 1962 वाले वॉर में आपका यूएसएसआर न्यूट्रल रहता है, और बहुत सारी पर इकोनॉमिक और मिलिट्री एड फिर भी प्रदान करता है वो, क्योंकि वो चाहता है कि इंडिया को अपने पाले के अंदर मिला ले, हो समझ रहे हो आप लोग। सो दिस इज द थिंग, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब बच्चों बात हो गई 1962 में, लड़ाई किसके साथ हुई, हमारी चाइना के साथ, हार गए हम बुरी तरह से, अचानक हमला होता है क्योंकि हमारे पे, हमें पता नहीं होता, ओके। बताऊंगा मैं, इंडो चाइना रिलेशन भी करेंगे अपन, तब बताऊंगा डिटेल में। और अब गाइस हो जाती है 1965 की जंग, 1965 में हमारा इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है, भयंकर वॉर हो जाता है, लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और ये जंग छिड़ जाती है, फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाता है भारत और पाकिस्तान में 1965 के अंदर, ठीक है। इस वॉर के अंदर बच्चों हम धूल चटा देते हैं आपके पाकिस्तान को। अब गाइस 1962 में हम चाइना से बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं, ठीक है, बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं, भागना पड़ता है, मतलब हमारी आर्मी को ऑर्डर आ जाता है ऊपर से कि छोड़ के आप आ जाओ, जो भी है, वरना हम नहीं लड़ सकते, छोड़ा हुआ आप, अरुणाचल प्रदेश पूरा छोड़ देते हैं, हम लद्दाख पूरा छोड़ के आ जाते हैं। बहुत बच्चों मॉरल डाउन हो जाता है आर्मी का, जवान जो है उसका मॉरल जो है डाउन हो जाता है, आर्मी का जो जवान है, उसी समय बच्चों 1960s में ही देश में भुखमरी वाली हालत हो रही होती है, हम इतना भी पैदा नहीं कर पाते जितना हमारे देश में लोग हैं, उनके लिए खाने लायक अनाज भी हम पैदा नहीं कर पाते। अमेरिका हमें भीख में PL-480 प्रोग्राम में, आपको बताया था PL-480 प्रोग्राम में सड़ा गला जो भी उनके देश में बचता है गेहूं चावल, वो इंडिया को भेज देता है, उसकी बदौलत हमारे देश में लोगों को रोटी मिल पाती है दो वक्त की। तो ये हालत होती है बच्चों 1960 के अंदर, क्या हालत होती है 1960 के अंदर, जवान की हालत खराब, जवान का मॉरल डाउन है एकदम, क्योंकि चाइना से भयंकर मुंह की खाई है उसने, और किसान का मोटिवेशन बिल्कुल लो है, किसान को बेचारा अपने देश के लिए इतना भी पैदा नहीं कर पा रहा कि उसके देश के देशवासी खाना खा सके, दो वक्त की रोटी गेहूं चावल खा सके। और बच्चों यहाँ पे जो आपके लीडर होते हैं इस समय पे नेहरू जी के बाद, वो होते हैं लाल बहादुर शास्त्री। और बच्चों लाल बहादुर शास्त्री आपके नारा देते हैं, जय जवान जय किसान। क्या नारा देते हैं बच्चों, बोल दो एक बार, जय जवान जय किसान। और ये नारा गाइस इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये मेंस में पूछ लिया गया था 2014 या 2013 का, जो मेंस का एग्जाम था आपका GS पेपर 1, उसमें ये पूछ लिया गया था कि जय जवान जय किसान का जो नारा है किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया, कहां दिया, क्या काम था इसका। अब आपको पता है इससे बच्चों मॉरल आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, जो कि टूट चुका होता है आदमी जवान का, आर्मी का और किसान का, उसको बूस्ट देने के लिए जय जवान जय किसान का नारा देते हैं बच्चों लाल बहादुर शास्त्री। और बच्चों उसके बाद हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाता है, MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन कर देते हैं, और 2-3 गुना प्रोडक्शन जो है सीधा का सीधा बढ़ जाता है, और एक नेट
इंपोर्टर से, जो गेहूं चावल हम दूसरे देशों से मंगवाते थे खाने के लिए, उससे हम एक्सपोर्टर बन जाते हैं, दूसरे देशों को अब देने लग जाता है भारत। ओके, और बच्चों नारा ये आपके आर्मी तक भी पहुंचता है, और इसके बाद जो वॉर होता है 62 में तो हम हार गए चाइना से, और बच्चों 65 में जो वॉर होता है उसमें मुंह की धूल चटा देते हैं हम पाकिस्तान को, और पूरी उनकी टेरिटरी लाहौर तक हमारी आर्मी जो है पहुंच जाती है, और गई सीज फायर डिक्लेयर हो जाता है, एक एग्रीमेंट होता है। बच्चों जब भी कोई वॉर होता है, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, जब भी गई कोई लड़ाई होती है, कोई वॉर होता है, हमेशा बच्चों कोई वॉर चलता नहीं है। ओके, कोई वॉर हमेशा चलता नहीं है, फैक्ट है, आपको पता है, कभी ना कभी वो खत्म होता है, और खत्म होता है वो एक एग्रीमेंट से, एक समझौते से, कि चलो भाई तुमने ये जीता, हम ये हारे, अब क्या करना है, अब क्या सेटलमेंट करना है, बात आखिर बात करके ही सॉल्व होती है लड़ाई के बाद। तो बच्चों यहाँ पे 1965 के अंदर जो वॉर होता है, इसमें जो मध्यस्थता प्रदान करता है, जो पीस ब्रोकर होता है, वो यूएसएसआर होता है। यूएसएसआर बुलाता है पाकिस्तान से अयूब खान को, ठीक है, अयूब खान को बुलाता है, वहां के वो प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, लाल बहादुर शास्त्री जाते हैं भारत से, कहां जाते हैं, ये ताशकंद एग्रीमेंट में जाते हैं, ताशकंद एक शहर होता है, ठीक है, ताशकंद में जाते हैं, और ताशकंद एग्रीमेंट बच्चों साइन करके आते हैं। ये ताशकंद एग्रीमेंट भी आपके मेंस में पूछा जा चुका है 2013-14 के आसपास, 13-14 वाले पेपर में देख लेना, ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट होता है बच्चों 1965 का, जब वॉर हम जीत जाते हैं उसको एक प्रॉपरली फुल स्टॉप देने के लिए एग्रीमेंट हम साइन करते हैं, जिसका नाम है ताशकंद एग्रीमेंट। और बच्चों इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद ताशकंद में एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो होता है, कभी ऐसा इतिहास में मैंने और किसी देश का नहीं सुना। ओके, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है बच्चों लाल बहादुर शास्त्री की, ये एग्रीमेंट साइन करने के बाद वो अपने होटल के रूम में जाते हैं और वहां पे उनकी डेथ हो जाती है, और सुबह जब उन्हें जगाया जाता है तो दरवाजा नहीं खुलता, और जब दरवाजा खोला जाता है तो उनकी डेड बॉडी मिलती है। वो जाते हैं जिंदा अच्छी हालत में जाते हैं ताशकंद, एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, लेकिन उनकी वापस जो है डेड बॉडी, आप समझो भारत के एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर की डेड बॉडी आ रही है, गया आदमी जिंदा है, आ रहा है मुर्दा, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बच्चों ताशकंद एग्रीमेंट इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका सिग्निफिकेंस जो और हो जाता है, ताशकंद में एग्रीमेंट साइन करने वाली रात को लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है। बच्चों आज तक गवर्नमेंट ने क्लियरली नहीं बताया इसके रीजंस क्या है, ठीक है, इसके रीजंस हमें नहीं पता। जो लाल बहादुर शास्त्री के जो जो उनका उनके बेटे हैं, जो उनके सन हैं, वो कई बार इसमें आरटीआई लगा के बहुत, उस पर एक मूवी बन चुकी है, कि वो कई बार पूछते हैं सरकार से क्या रीजन था, मतलब उनकी बॉडी पे कुछ उनको मार्क्स भी मिलते हैं या जो भी है, पर गवर्नमेंट बोलती है हार्ट अटैक से हुआ है, और ज्यादा डिटेल नहीं देती गवर्नमेंट, कहती है आज भी इसको ऑफिशियल सीक्रेट बोलती है, बोला अगर इसके हमने इसका अगर आपको सीक्रेट बता दिया तो आप ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध दूसरे देशों से हमारे खराब हो सकते हैं भारत के से, इसलिए इसको ऑफिशियल सीक्रेट ही रखा जाता है आज तक। तो बच्चों इतना बड़ा जो बात है यार, हमारा देश का एक प्राइम मिनिस्टर मर जाता है दूसरे देश के अंदर, तो वो बात आम आदमी को जानने का हक है पूरा, लेकिन वो बात एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अभी भी सरकार नहीं बताती है। ओके, तो ये है गाइस ताशकंद एग्रीमेंट की कहानी 1965 में। बहुत सारी टेरिटरी बच्चों हम जीत जाते हैं, लेकिन हमें वहां पे थोड़ा मच प्रेशर भी कर पड़ देते हैं लाल बहादुर शास्त्री पे, कि आप अपनी आर्मी को पीछे कर लो, वॉर से पहले जो पोजीशन थी वहां पे ले जाओ, जो टेरिटरी आपने जीती है उससे आप छोड़ दो, और वॉर से पहले जहां पे आर्मी थी वहां पे आपकी आर्मी को ले जाओ। और लाल बहादुर शास्त्री इस बात पे मान जाते हैं, और जो भी सैनिक पकड़े हैं आपने हमारे और हमने आपके, वो आप वापस कर दो हम एक दूसरे को, ये कुछ बातें होती है, और पूर्ण विराम लगा दो, सीज फायर कर दो। ये बच्चों ताशकंद एग्रीमेंट ऑफ 1965 का है, और मेंस में ये सवाल आ चुका है, दोनों आपको मैंने बता दिया। और बच्चों यहाँ पे एक यूएसए को जरूर झटका लगता है, ठीक है, पाकिस्तान यूएसए के तो बिल्कुल तलवे चाट रहा होता है उस टाइम पे, पाकिस्तान यूएसए के बिल्कुल गुलामी में आ चुका होता है, और उसका खर्चे पानी से ही पाकिस्तान में दाल और आटा आता है। सो यूएसए यहाँ पे बच्चों चाहता था कि ताशकंद एग्रीमेंट ताशकंद यूएसएसआर ना करवाए, मतलब यूएसए कराए, समझ रहे हो आप, यूएसए मध्यस्थता प्रदान करे, मीडिएटर बने भारत और पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान तो उसका अच्छा दोस्त है ही, और इंडिया भी इसकी भी वो मदद कर ही रहा है, PL-480 प्रोग्राम कर रहा है, और भी मदद कर रहा होता है, तो
यूएस को लगता है कि यार हम मध्यस्थता हम मीडिएटर बनेंगे और हम इसमें पीस कराएंगे दोनों देशों में, लेकिन यहाँ पे यूएसएसआर को चुन लिया जाता है और ये एक बात जो है यूएसए को अच्छी नहीं पसंद नहीं आती है। आर यू गेटिंग इट? ओके, फिर बच्चों जो हमारा फाइनली द इंपॉर्टेंट थिंग इज द ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, जहां पे यूएसए से हमारा पूरा ब्रेकअप हो जाता है, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ये एक लैंडमार्क क्वेश्चन है बच्चों, सब कुछ पूछ चुकी है यूपीएससी, ताशकंद एग्रीमेंट और यू नो पीएलटी और जय जवान जय किसान भूदान मूवमेंट, ये ट्रीटी के बारे में अब तक नहीं पूछा है मेंस में और प्रीलिम्स में भी। और ये ट्रीटी बच्चों ये एक वॉटरशेड है, ठीक है, वॉटरशेड है ट्रीटी। यहां के बाद भारत ये नहीं कह सकता कि हम नॉन अलाइंड है, यहां पे आप अब गांधी नहीं बन के रह सकते ज्यादा टाइम तक। गांधी रैली आप बन के 1947 से रैली है, आपने मदद ले रहे हो दोनों देशों से ले रहे हो, आप दोनों ग्रुप से मदद ले रहे हो, मगर अब नहीं बोल सकते आप कि हम गांधीवादी विचारधारा पे चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों हम एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं 1971 के अंदर सोवियत यूनियन से, ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कॉरपोरेशन, जिससे हम कागज पे लिख देते हैं कि यूएसएसआर हमारा दोस्त है, खास दोस्त है, फ्रेंड है और हम कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को। यानी कि हम क्लियरली अब जो यूएसए हमें अपने पाले में लेना चाह रहा था और यूएसएसआर हमें लेना चाह रहा था, अब क्लियरली हम यूएसएसआर के पाले में चले जाते हैं। और जो नेम जो गांधी बनने बन हम जो हम गांधी बन रहे होते हैं दुनिया में, वो छवि अब हमारी वैसी नहीं रहती। और नेम के खिलाफ जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, जिसमें हम ये झंडा लेके चलते हैं आगे के किसी भी देश के साथ नहीं होना है, उसकी बात भूल के उसको बुला के हम यूएसएसआर के साथ ये जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप और कॉपरेशन है ये साइन कर लेते हैं। अब ऐसा बच्चों क्या हो जाता है कि हम ये ट्रीटी हमें साइन करनी पड़ जाती है और गांधीवादी विचारधारा जो है ये नॉन अलाइनमेंट रहना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, इसको हम क्यों तोड़ देते हैं, ऐसा क्या हो जाता है देश के अंदर? ओके, व्हाट हैपेंस? ओके, ऐसा क्या हो जाता है कि हमें हमारा नॉन अलाइनमेंट के एथोस हैं जो प्रिंसिपल्स हैं उनके खिलाफ जाके हम रशिया के साथ ये ट्रीटी साइन कर लेते हैं? ओके, ऐसा क्या हो जाता है देश में? सो गाइस, उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस ऐसा करना जरूरी हो जाता है उस समय के हालातों के हिसाब से। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसा क्या हो जाता है बच्चों उस टाइम पे, मैं आपको बताता हूँ क्यों हम ये ट्रीटी साइन करनी पड़ जाती है। हमें हम चाहते नहीं थे करना, मगर हमारी मजबूरी हो जाता है करना, हमें ये ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। तो बच्चों आपको एक बार दोबारा मैं ले जाना चाहूंगा 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया पे, भारत का पार्टीशन हो रहा है, हो गया है अब, ठीक है, और 1947 है और दो देश बन चुके हैं, एक देश में से दो देश आपके निकल चुके हैं। ओके, एक देश होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं इंडिया, एक इंडिया देश बनता है, एक देश दूसरा बनता है जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान। ये बच्चों पाकिस्तान होता है, ये बात हो रही है 1947 की, दिस इज पाकिस्तान। अभी गाइस बांग्लादेश को कोई जानता ही नहीं है, ठीक है, 1947 की बात हो रही है गाइस। तीन दो देश बन गए यहां पे, मगर आपको आपको लग रहा है सर तीन देश हैं ये तो, लेकिन बच्चों ये दो देश होते हैं, ये होता है इंडिया हमारा, ये होता है वेस्ट पाकिस्तान, ये होता है ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान होता है ये। हालांकि दूर है दोनों, इनका कोई कनेक्टिविटी नहीं बीच में, लेकिन ये दोनों एक ही देश हैं, ये पाकिस्तान ही है, ये वेस्ट पाकिस्तान होता है और ये होता है ईस्ट पाकिस्तान। अब बच्चों दिक्कत यहां पे ये हो जाती है कि जो ईस्ट पाकिस्तान है यहां पे वेस्ट पाकिस्तान के लोग जो हैं दादागिरी करते हैं, आर्मी यहाँ की इनको परेशान करती है, मर्डर करती है, रेप करती है, कहते हैं बंगाली मुसलमान है, ये पंजाबी मुसलमान है, रेशियल एक यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन और एथनिकल क्लिंजिंग होना चालू हो जाती है। बकायदा ऐसा भी सुना है मैंने, एक बहुत बड़े कोई यू नो जानी मानी हस्ती है, उन्होंने बोला था कि वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को ऐसे ऑर्डर होते हैं कि इनका इतना रेप करो, इतना इनका रेप करो कि इनकी नस्ल ही बदल जाए, इनकी जो नस्ल है जो बंगाली मुसलमान है इसको पूरा पंजाबी मुसलमान बना दो, इनको इंफीरियर ट्रीट करते हैं ये। हालांकि अंग्रेजों से इनको आजादी मिल जाती है, लेकिन इनपे दोबारा
गुलामी थोप देते हैं ये वेस्ट पाकिस्तान वाले जो आज का पाकिस्तान है। और बच्चों इससे हमें कोई मतलब नहीं, अभी उनका आंतरिक मामला है, लेकिन ये हमारे का हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बच्चों इस वजह से भारत के अंदर बहुत सारे बंगाली मुसलमान आना चालू कर देते हैं इनलीगली, क्योंकि उनके देश में तो माहौल खराब हो रहा है, वहां पे तो मारा जा रहा है, लड़ाई हो रही है, सिविल वॉर हो रहा है, खुलेआम पाकिस्तानी आर्मी मार रही है अपने लोगों को, तो वो भागना चालू करते हैं इंडिया के अंदर। और बच्चों इंडिया को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इंदिरा गांधी उस टाइम हमारी प्राइम मिनिस्टर होती हैं और वो ये कहती हैं कि अब क्या करें, अब इनको भगा नहीं सकते, 2, 4, 5, 10 हजार हो, 5, 20, 40, 50, 60 ये तो लाखों की संख्या में आ रहे हैं, हर रोज लाख लोग नए आपके देश में घुस जाए, सोचो उनका खाना पीना रहना इंतजाम किसको कर रहा, भारत सरकार को। भारत बच्चों इंदिरा गांधी पूरी दुनिया में घूमती है, रशिया के पास जाती है, आपके यूएसएसआर के पास जाती है, यूएसए के पास जाती है, मगर कोई मदद नहीं करता। और गाइस फिर हम एक टफ डिसीजन लेते हैं, इंदिरा गांधी को बच्चों आयरन लेडी कहा जाता है, आयरन लेडी तो ऐसे ही नहीं कहा जाता उनको, आयरन लेडी वो बच्चों डिसीजन लेती है कि हम आजाद कराएंगे, अब ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराएंगे, हम भारत की सेना आजाद कराएगी। वो जनरल मानेकशॉ उस टाइम हमारे जनरल होते हैं इंडिया के, वो कहते हैं मैडम आजाद तो मैं करवा दूंगा, मैं मेरी सेना इनकी धज्जियां उड़ा देगी, मगर एक खतरा है अपने को, अगर चाइना आ गया यहाँ पे, अगर चाइना पाकिस्तान की मदद करने आ गया तो मैडम मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर आप बता दो क्या करना है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ एक साथ हम नहीं लड़ सकते। ये बच्चों समस्या आ जाती है और यहाँ पे हमें जरूरत होती है एक सपोर्ट की, एक सुपर पावर की जो हमारे साथ सपोर्ट करे, और चाइना जिसकी वजह से डर के मारे सोचे भी नहीं इंडिया पे अटैक करने की। और गाइस इसका सलूशन निकाला जाता है कि हम रशिया यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कर लेते हैं 1971 में, ये वॉर हमारी आर्मी घुसे आक्रमण करे ईस्ट पाकिस्तान में आक्रमण करे जाके, इससे पहले ही हम ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर लेते हैं सोवियत यूनियन के साथ में। अब बच्चों चाइना अगर हमला करने की सोच रहा है, सोचेगा इंडिया पे, तो उसे 10 बार सोचना पड़ेगा कि भैया अगर इंडिया पे अटैक कर दिया तो ऊपर से रशिया सबसे बड़ा है, पता है ना आप मैप देखा ना रशिया कितना बड़ा है, तो मतलब चाइना उस टाइम इतना पावरफुल भी नहीं होता। और गाइस इसलिए हमने ये ट्रीटी फॉर अ सेफर साइड, एक बैकअप के लिए, ठीक है, और गाइस ये ट्रीटी हम साइन कर लेते हैं। इधर ट्रीटी साइन होती है और उधर हमारी आर्मी घुस जाती है ईस्ट पाकिस्तान में, और बच्चों ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराती है और बनता है मुल्क बांग्लादेश। कब बनता है? 1971 के अंदर। और चाइना जैसा कि हमने सोचा था, चाइना कुछ नहीं करता, चाइना कुछ नहीं बोलता, चाइना इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, चाइना को पता है क्योंकि अगर मैं इन्वॉल्व हो गया तो रशिया भी आ जाए, यूएसएसआर भी आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, जो बेटर है इनको अपने अपने ही करने दो, मेरे को क्या मतलब। इसलिए बच्चों हमें ये गांधीवादी सोच को भूल कर आपके ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन साइन करते हैं हम, और 1971 में हम बांग्लादेश को आजाद कराते हैं ईस्ट पाकिस्तान से, उसका नाम होता है बांग्लादेश, एक इंडिपेंडेंट कंट्री, यू नो। तो बच्चों आपको गर्व होना चाहिए भारतीय के तौर पे कि अपन ने एक देश को आजाद कराया, ओके, हमारी बदौलत वो आजाद हुए, वरना उनका अंजाम क्या होता। लेकिन गाइस देखो लोग क्या एहसान आप करते हैं ना, याद नहीं रखते ज्यादा दिन तक, आज बांग्लादेश इस बात की कोई वैल्यू ही नहीं करता, हम उससे थोड़ा सा भी कुछ मांग ले कि हमें जो दो रास्ते दे दो यार, हमें हमारे नॉर्थ ईस्ट में जाना है, हमारा नॉर्थ ईस्ट इधर है, तो ये रास्ता दे दो हमें, एक अच्छा 2-3 रास्ते दे दो, वो हमें नाटक करता है उसके अंदर, समझ रहे हो आप। वो ये भूल गया कि बेटा आज हमारा जो वजूद है वो ही भारत की वजह से है। तो ऐसे गाइस एहसान फरामोशी के एग्जाम्पल आपको दुनिया में भी मिलेंगे और हर जगह इतिहास में भी मिलेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में मिलेंगे और आपके जीवन में भी मिलेंगे, ओके। तो बच्चों एक्सपेक्टेशन किसी से कभी रखना नहीं, सबसे बुद्धा ने क्या बोला है, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ मिजरी, डिजायर इच्छा, एक्सपेक्टेशन, आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखो, वो मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए ऐसा करेगा, वो मेरे को ये देगा, मैंने उसके लिए ऐसा किया तो वो मेरे लिए ऐसा करेगा, तो बच्चों ये अगर आप करो तो आपको आज नहीं तो कल आप दुखी होगे, ओके। नेकी कर दरिया में डाल, ये लाइफ में फिलॉसफी रखो, ओके, क्योंकि कोई नहीं याद रखता, कोई नहीं करता, समय समय की बात है, काम होने के बाद सब नॉर्मल हो जाता है, दिमाग से सब भूल जाते हैं।
तो ऐसे गाइज हमने आजाद कराते हैं बांग्लादेश को और रशिया से हम ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर लेते हैं, ओके, ताकि हमारे एक प्रोटेक्शन रहे, सुपर पावर का हाथ रहे हमारे पे, गॉडफादर बना लेते हैं एक तरह से हमारा रशिया को, सोवियत यूनियन को, ओके। और गाइज उसके बाद जो रिलेशन होते हैं बच्चों, उसके बाद हमारा पूरा ब्रेकअप हो जाता है। अब यूएसए हमसे दूर रहता है, माफ करो भाई, अब तुम हमारा यूएसए में कोई आर्थिक, कोई पॉलिटिकल, कोई इकोनॉमिक मदद देना बंद कर देता है, सारी पाकिस्तान को चुन लेता है वो कि पाकिस्तान हमारे साथ है, पाकिस्तान को सब मदद करता है, वो हथियार देता है और हम रशिया के साथ जाते हैं एक तरह से। हालांकि कानूनी अभी भी हम नैम का झंडा आगे लेके चल रहे होते हैं कि हम नहीं नॉन अलाइंड है, नॉन अलाइंड है, लेकिन हमारा अलाइंड हो चुके होते हैं हम यूएसएसआर से, समझ रहे हो? तो ये बात है बच्चों। और अब यूएसए भी समझ जाता है क्लियरली कि यार ये जा चुका है, इंडिया हमारे हाथ से निकल चुका है, इसको भूल जाओ, आप पाकिस्तान पे फोकस करो, पाकिस्तान को अपने साथ रखो, कल कोई अगर प्रॉब्लम हो इस इलाके में तो पाकिस्तान पे भरोसा किया जा सकता है, भारत तो निकल गया, हाथ से निकल गया। और बच्चों राजीव गांधी, फिर आपको पता है रिलेशन नॉर्मल होते हैं, कुछ ऐसा खास नहीं होता। और गाइस इसके बाद 1971 के बाद बच्चों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया में ट्रीटी के बाद जो सबसे बेटर, अगर आप 1971 में एग्जाम दे रहे होते यूपीएससी का तो मैं अलग से क्लास लेता पूरी इस पे, ना समझ रहे हो आप? तो उस समय बच्चों टॉप हमारा जो देश होता है, जो जो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, जिस पे मैं नाज होता है, हमारा गॉडफादर जो होता है वो यूएसएसआर ही होता है। और राजीव गांधी बच्चों जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं पहला स्टेट विजिट वो दोबारा सोवियत यूनियन को करते हैं। तो गाइस एक प्रधानमंत्री जब पहली बार बनता है कोई और पहली उसकी ट्रिप होती है, वो किस देश को जा रहा है, ये बहुत एक बड़ा एक सिंबॉलिकल मैसेज होता है उस देश को कि आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं अमेरिका से आया हूँ आज ही और आज ही मैं आया हूँ अमेरिका से और आज ही मैं मेरे एक दोस्त से मिला हूँ, तो सीधी सीधी बात है कि वो मेरा बेस्ट दोस्त है, समझ रहे हो आप? दोस्त तो मेरे 100 हैं मगर मैं आज ही अमेरिका से आया हूँ एक साल बाद और आज ही मैं उससे मिला हूँ, तो क्लियरली है कि वो मेरा बेस्ट दोस्त है। तो ऐसे ही गाइस राजीव गांधी जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और बनते ही सबसे पहला जो इनका फॉरेन टूर होता है, ऑफिशियल फॉरेन टूर, वो सोवियत यूनियन का में होता है 1985 के अंदर, ठीक है? उसी के साथ बच्चों अगले साल, ओके, सोवियत सेक्रेटरी जनरल मिखाइल गर्बोचोव बच्चों इंडिया में आते हैं 1986 के अंदर। बाद में मिखाइल गर्बोचोव बच्चों वहां के प्रेसिडेंट भी बनेंगे और इनके टेन्योर के अंदर ही सोवियत यूनियन का विघटन भी होगा, डिसइंटीग्रेशन जो होगा सोवियत यूनियन का वो मिखाइल गर्बोचोव के टाइम के होता है। लेकिन जब ये भारत में आते हैं 1986 के अंदर तब ये सेक्रेटरी जनरल होते हैं, तब ये प्रेसिडेंट नहीं होते यूएसएसआर के, बाद में बनते हैं प्रेसिडेंट ये, ठीक है? यहाँ पे बच्चों गर्बोचोव एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके आते हैं भारत से, चाइना परेशान कर रहा होता है उस टाइम पे सोवियत यूनियन को, चाइना परेशान कर रहा होता है, चाइना से संबंध सही नहीं होते क्योंकि इनका बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं। और बच्चों गर्बोचोव बोलते हैं कि एक यूनियन बनाया जाए, सेलेक्टिव ग्रुपिंग बनाई जाए, ठीक है, एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम टू कंटेन चाइना। चाइना बच्चों डेवलप भी कर रहा होता है, हम 1990s तक आ चुके हैं ऑलमोस्ट, तो चाइना डेवलप भी कर रहा होता है और यूएसएसआर को आंख भी दिखा रहा होता है, ओके, बॉर्डर पे परेशान भी कर रहा होता है। तो यहाँ पे बच्चों एक उम्मीद लेके आते हैं गर्बोचोव के एक कलेक्टिव यूनियन बनाया जाएगा एशिया का, लेकिन वो नहीं बन पाता है और ये बात जो है आइडिया ही रह जाता है, ये एक्चुअलाइज नहीं हो पाता है, ठीक है? बाद में गाइस कुछ खास एसेट कुछ होता नहीं है, ओके, बहुत सारी मदद हमें जरूर यूएसएसआर देता रहता है, हमारा कई सारे आईआईटी बनाता है, कई सारे हमारे स्टील प्लांट्स जो हैं आपके बनाता है, कई तरह की इकोनॉमिक एड देता है हमें, हथियार, बड़े बड़े जहाज, साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सब हमें देता है। तो एसेट प्रोमिनेंट कुछ होता नहीं है खास, ठीक है? ओके, फाइनली बच्चों यूएसएसआर के टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो बच्चों ये होता है यूएसएसआर, एक्चुअल में यूएसएसआर ये होता है, ये आपको जो रेड कलर का दिख रहा है ये पूरा यूएसएसआर होता है। और इसके गाइस रशिया एक सबसे बड़ा टुकड़ा होता है इसका, बाकी इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, एस्तोनिया, लताविया, ओके, लुथानिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, ताशकंद, ओके, आपके अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बच्चों सारे टुकड़े होते हैं। पहले ये पूरा एरिया एक ही होता है, ये पहले पूरा एक ही होता है एरिया, जिसको हम कहते हैं सोवियत यूनियन। और इसके गाइस सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं 1991 में। इसी के साथ बच्चों कोल्ड वॉर भी दुनिया में खत्म हो जाता है
ओके, कोल्ड वॉर की अभी एंड हो जाता है। कोल्ड वॉर बच्चों कोई वॉर नहीं है, इस पर मैं अलग से क्लास ले लूंगा एक दिन, क्योंकि वॉर नहीं होता, ये एक टेंशन का माहौल होता है यूएसए और यूएसएसआर दुनिया में जो क्रिएट करते हैं, ये गुटबाजी करना, इसको मदद करना, उसकी मदद करना, ये देश आपस में खुद ही नहीं लड़ते कभी, ये दोनों देश इतने पावरफुल होते हैं बच्चों, इतने इनके पास न्यूक्लियर हथियार हो जाते हैं कि मैड डॉक्ट्राइन आता है, मैड डॉक्ट्राइन MAD म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD मैड डॉक्ट्राइन, आप समझ रहे हो, मतलब अगर मान लो इन दोनों देशों का बच्चों आपस में फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाए, ये बीच बिचौलिए देश छोड़ो, वियतनाम, कजाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ये देश आपस में लड़ने, मतलब हेड ऑन 1-1 इनमें जंग हो जाए, दोनों पहलवान आ जाए अखाड़े में और आओ हमसे लड़ो, तो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, दोनों देश खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों दोनों देशों के पास बेनतहा न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, हजारों की संख्या में इनके पास न्यूक्लियर वेपन होते हैं। मान लो एक न्यूक्लियर वेपन यूएसए ने छोड़ दिया यूएसएसआर पे, या यूएसएसआर ने छोड़ दिया यूएसए पे, तो एक न्यूक्लियर वेपन से पूरा यूएसए तो खत्म होगा नहीं, इतना बड़ा यूएसए है, उससे भी उतना बड़ा है रशिया यूएसएसआर, तो उसके बदले बच्चों 4 बॉम्ब यूएसएसआर गिराएगा, फिर 8 बॉम्ब यूएसए गिराएगा, फिर वो 16 गिराएगा उसके बदले, और म्यूचुअली होगा ये दोनों देश खत्म हो जाएंगे। ओके, एक बॉम्ब बच्चों आज तक गिरा है, ओके, एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए हैं 2 शहरों पे, हिरोशिमा नागासाकी, जिनके एग्जांपल आप पढ़ लेना, पिक्चर देख लेना कैसी हालत हो जाती है, एक का ये है अंजाम है। ओके, और अगर ये दोनों देश आपस में भिड़ जाते तो बच्चों ये खुद तो खत्म होते ही, और दुनिया को और खत्म कर लेते साथ में। इसे कहते हैं मैड डॉक्ट्राइन, मैड पागल, म्यूचुअली अश्योर्ड, म्यूचुअल मतलब दोनों का, अश्योर्ड मतलब गारंटी, डिस्ट्रक्शन यानी कि खात्मा, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये बच्चों आपके दोनों देशों को पता होता है ये बात कि भैया हम अगर भिड़ गए आपस में तो फिर दोनों ही खत्म है, हम म्यूचुअली अटॉर्ड डिस्ट्रक्शन। इसी वजह से बच्चों ये कोल्ड वॉर होता है, ये कोल्ड वॉर तक रहता है, कभी एक्चुअल वॉर में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि दोनों देशों को पता होता है कि मैड मतलब म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है अगर हम आमने सामने आ गए, इसलिए ये कोल्ड वॉर आपका खत्म हो जाता है 1991 में, क्योंकि यूएसएसआर ही खत्म हो जाता है, अब जो लड़ने वाला था असली वो ही खत्म हो गया, उसी के टुकड़े टुकड़े हो गए। ओके, तो वो खुद ही टूट गया आपस में, तो फिर बचा क्या, अब क्या लड़ोगे। तो बच्चों कोल्ड वॉर जो है वो भी गाइस खत्म हो जाता है, और दुनिया में एक पीस और अमन शांति का माहौल होता है। यूएसएसआर अब जो भी हो, यूएसएसआर टूटे या कुछ भी टूटे, लेकिन कोल्ड वॉर एक जो गलत माहौल बन रहा होता है दुनिया में, गुटबाजी और एक यू नो एक गलत चीज होती है, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बच्चों सोवियत यूनियन के। अब क्यों होते हैं गाइस, इसका रीजन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों हमारा अच्छा दोस्त है ये, तो हमें पता होना चाहिए कि एक सेकंड, शोई हमारा दोस्त है, अब यार हमारा खास दोस्त होता है, और अब इसका तो खत्म हो गया है, तो हमारा खास दोस्त, तो हमारे लिए इसका रिलेशन पढ़ना, जानकारी रखना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्या रीजन होते हैं, क्यों बच्चों सोवियत यूनियन जो है आपके डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब गाइज एक तो देखो अंबानी है, एक अंबानी के सामने रहता है उसका पड़ोसी, ठीक है, तो अंबानी ने ले ली बच्चों मर्सिडीज कार ले ली, अंबानी का तो पैसा है वो तो ले गई, ठीक है, मर्सिडीज ले ली उसने, 2 महीने बाद, 1 साल बाद उसने ऑडी ले ली, ऑडी के बाद उसे लंबोर्गिनी ले ली, उसका पैसा उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, 2-3 करोड़ की गाड़ी ली, क्या हो गया। अंबानी का सामने एक और छोटा अंबानी रहता है, वो भी कम नहीं है, मगर उसके पास भी पैसा है, लेकिन इतना पैसा नहीं है जितना अंबानी के पास है। अब वो क्या कर रहा है बच्चों, वो देख रहा है, अच्छा अंबानी ने मर्सिडीज ले ली, मैं भी मर्सिडीज लूंगा, अच्छा अंबानी ने लंबोर्गिनी ले ली, अच्छा मैं जैगुआर लूंगा, अच्छा ये ऑडी ले ली, मैं एस्टन मार्टिन लूंगा, समझ रहे हो आप। तो बच्चों ये अंबानी है, ये यूएसए है, इसके पास तो पैसा है, इसके पास तो डेवलपमेंट है, कैपिटलिज्म है, यहाँ की कंपनियां पूरी दुनिया में राज कर रही है, MNC, खूब सारा पैसा आ रहा है, टैक्स आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन
इसके पास तो पैसा है इसलिए कर रहा है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, मिलिट्री लगा रहा है, ये वो दुनिया में असिस्टेंस दे रहा है, मदद कर रहा है दूसरे देशों की, कर सकता है वो, उसके पास पैसे हैं, मगर ये जबरदस्ती कर रहा है, ये देखा देखी कर रहा है, कॉम्पिटिशन कर रहा है। इसके पास नहीं है इतने पैसे, इतनी टेक्नोलॉजी, इसको अपने देश में आर्थिक और सामाजिक विकास पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये कॉम्पिटिशन कर रहा है जबरदस्ती, जबरदस्ती में ये नेता बन रहा है अननेसेसरीली। तो बच्चों ऐसा कर रहा होता है यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर ऐसा कर रहा होता है अननेसेसरीली, वो चेस कर रहा होता है यूएसए को। और बच्चों ऐसे करोगे तो कब तक आप सर्वाइव कर पाओगे बताओ? आप कॉम्पिटिशन तो आपका तो घर घर बार दौलत सब बिक जाएगी, उसके तो क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो उसके पास है इसलिए वो कर रहा है। अगर आप कॉम्पिटिशन करने लग गए, ठीक है, तो आप तो फिर खत्म हो। और बच्चों यही एक कारण होता है सोवियत यूनियन के खत्म होने का, इसके पास पैसा इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मिलिट्री में बहुत खर्चा करता है यूएसए के साथ, कॉम्पिटिशन में रहे, कहीं पीछे ना हो जाए यूएसए से, ठीक है। ह्यूज मिलिट्री एक्सपेंडिचर होता है अननेसेसरीली, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रहा है यहाँ पे, तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सैटेलाइट स्टेट्स को गोद दे लेता है ये, जो उसके जो जो होता है ना, जो जो आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, जो लीडर होता है, जो दादा होता है, जो गैंग मास्टर होता है, उसके गुरखे होते हैं चार नीचे, 10-15-20-30 जो भी, उनका खर्चा पानी सब वो उठाता है, और समझ रहे हो। तो ऐसे ही बच्चों उसके गुरखे होते हैं ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में सैटेलाइट स्टेट होते हैं, इनको यू नो बहुत पैसा देना, मदद करना इनकी, तो ऑब्वियसली बहुत खर्चा हो रहा होता है, और ये खर्चा जो है लोगों तक तो बेर होता है ये बच्चों, क्योंकि सरकार के पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से ही तो आता है। अब हमारा पैसा हमारी देश को, हमारी सरकार को दे रहे हैं वो पैसा, वो पैसा सरकार दूसरे देशों में बांट रही है, तो फिर प्रॉब्लम होगी ही, समझ गए आप, प्रॉब्लम फिर होगी। तो ये गाइज होता है, हो रहा होता है, और ये काफी टाइम से चल रहा होता है, ये एकदम से नहीं होता, वहां के लोगों में भी आक्रोश हो जाता है, जो बाकी सोवियत होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आती है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये जो मैंने आपको बताया सेंट्रल एशियन, कजाकिस्तान, ये ना पांच देश है, कजाकिस्तान, आपके किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये देशों का खर्चा भी उठाना पड़ रहा होता है, इस इलाके का भी यू नो एक्सपेंडिचर होता है। तो गाइस कुल मिला के फूट पड़ जाती है, लोगों को समझ में आ जाता है कि सोवियत जो ये हमने सपना दिखाया गया था कि मिलकर रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, सोवियत यूनियन, इनमें बच्चों एथनिसिटी भी नहीं होती है, धर्म इनका अलग, ये यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा मिलेंगे आपको, इधर क्रिश्चियन है, एथनिसिटी भी अलग है, यहाँ पे तुर्किस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस लोग रहते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कजाक लोग रहते हैं, रशियंस में रशियन लोग रहते हैं, ओके, इनकी जो एथनिसिटी है, जिनकी जो रेस है वो भी अलग है। तो हर चीज क्या है अब अगेंस्ट में जाती है बच्चों, और पॉलिटिकली भी अनअकाउंटेबिलिटी फैल जाती है, करप्शन बहुत भयंकर होता है देश में, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म मतलब जिनके जानकार हैं, जिनके मेरे चाचा मिनिस्टर हैं तो मेरे को कहीं नौकरी लगवा देंगे, ओके, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देंगे, ये होता है नेपोटिज्म। और ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है देश में, तो बच्चों एक तरह से सिविल वॉर हो जाता है, लोग हैं परेशान हो जाते हैं, ओके। साथ के साथ बच्चों गॉर्बाचोव, मिखाइल गॉर्बाचोव जो मैंने आपको बताया था, वो कई तरह के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाते हैं, जब यूएसएसआर के टूटने से पहले वो कई तरह के चेंजेस लाते हैं, जिनको सोवियत जो होते हैं, सोवियत का मतलब क्या, यूनाइटेड, ओके, सोवियत क्या होते हैं बच्चों, सोवियत का मतलब क्या होता है, ये सोवियत स्टेट्स होते हैं, ये रशियन लैंग्वेज में सोवियत बोलते हैं इनको, ये जो है आपको दिख रहे हैं सोवियत से, छोटे छोटे ये सोवियत है और ये यूनाइटेड है, इसलिए ये यूएसएसआर है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ओके, सोशलिस्ट हैं ये, और सोवियत मतलब ये छोटे छोटे स्टेट्स। तो जो सोवियत सोचते हैं कि यार ये यूएसएसआर जो बनाया था जिस प्रिंसिपल पे, उस प्रिंसिपल के खिलाफ गॉर्बाचोव जो है देश को चलाना चाहते हैं, यूएसएसआर को, और ये सोवियत में बच्चों रिवोल्ट हो जाता है कि अब हमें आजादी चाहिए, अब हमें यूएसएसआर के साथ नहीं रहना, हमें अलग अलग होना है, इंडिपेंडेंट हमें देश बनाने हैं। और बच्चों नेशनलिज्म की भावना, ठीक है, कि अपना एक अलग देश होना चाहिए, ये नेशनलिज्म की भावना भी बच्चों जाग जाती है, रशिया में जाग जाती है, रशिया सोचते हैं हमारे यार हम रशियन लोग हैं, हमारी अलग देश होना चाहिए, एस्तानिया, लतविया, यूक्रेन, जॉर्जिया, इनमें नेशनलिज्म की भावना जाग जाती है कि यार हम यू नो खुद हम एक देश, अगर अकेले हम देश है तो हम ज्यादा बेटर हमारे गवर्नेंस कर सकते हैं, ज्यादा बेटर तरह से हम हमारे कंट्री को चला सकते हैं। तो गाइस ये सब कुछ कारण है राइज ऑफ नेशनलिज्म, ओके, गॉर्बाचोव की
पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज, करप्शन होता है भयंकर, अननेसेसरी इकोनॉमिकल वीकनेस आती है, उसके कारण आपको मैंने बताई दिए। ओके, सो ये बच्चों कारण, इसका अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस होता है कि यूएसएसआर का बच्चों विघटन हो जाता है, द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन 1991 के अंदर। इसी के बच्चों कुछ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द जो कमेंट में असामाजिक तत्व भी आ चुके हैं थोड़े, तो असामाजिक तत्वों पे ध्यान ना दें, उनका काम सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, क्लास को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इग्नोर करो। ओके, इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हम इनमें अगर इनमें उलझ गए हम, तो उनका पर्पस तो सॉल्व हो जाएगा, आपका डिस्ट्रैक्ट करना आपको, मगर आपका पर्पस वीक हो जाएगा। मैं तो देखता भी नहीं हूँ कमेंट इसलिए, और मैं किसी को ब्लॉक भी नहीं करता, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, वो कुछ कर खुद को जिंदगी में कर नहीं पाते हैं, मगर वो दूसरों को भी क्या करने नहीं देना चाहते, तो उनके कभी इफेक्ट नहीं आना चाहिए आप पे। वट एवर दे आर सेइंग इग्नोर देम, फोकस ऑन द क्लास। इसलिए आपको हम बोलते हैं कि आप प्लस पे आओ, आइकॉनिक पे आओ, ताकि आपको बच्चों माहौल ही वहाँ अलग मिलता है यार, वहाँ ऐसे फालतू के लोग नहीं आते, वहाँ वही बच्चा आएगा जो सीरियस है, इकोसिस्टम ही आपको अलग मिलेगा। इसलिए हमें वहाँ पढ़ाने ही मजा आता है, और बच्चों को पढ़ने ही मजा आता है, और अच्छे से चीज करते हैं। अब ये एक यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे कोई भी घुस के चला जाता है, मॉल है जैसे, कोई भी आ गया खरीदेगा कुछ नहीं, वो पर पूरा मॉल में घूमेगा, चक्कर लगाएगा, भीड़ बहलाएगा, कोरोना फैलाएगा, समझ रहे? तो कोरोना फैलाने वाले लोग हैं ये, इनसे बच के रहें और आप क्लास पे ध्यान दें, ठीक है? सो कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके, वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? एंड ऑफ कोल्ड वॉर। ओके, एंड हो जाता है कोल्ड वॉर का 1971 के बाद, कोल्ड वॉर का एंड हो जाता है, क्योंकि सोवियत यूनियन जो है टुकड़े टुकड़े हो चुका है, ठीक है? और यूनिपोलर वर्ल्ड बच्चों बनता है, ठीक है? यूनिपोलर वर्ल्ड बनता है, यानी कि अभी जो दो पावर थे यूएसए और सोवियत यूनियन यूएसएसआर, वो खत्म हो जाता है। इस पहले होता है बायपोलर वर्ल्ड। ओके, इसे कहते हैं बायपोलर, बाय मतलब दो, बायपोलर वर्ल्ड। अब बच्चों बायपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड हो जाता है, सिर्फ एक ही सुपर पावर रह जाता है दुनिया के अंदर, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रहता है, और यूएसएसआर बच्चों खत्म हो जाता है, जिसके कारण बायपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है। दो पावर सेंटर्स होते हैं पहले, अब एक चला जाता है गायब, तो एक ही रह जाता है यूएसए, और बच्चों यूएसए की सुप्रीमेसी चलती है। लेकिन बच्चों ये यूनिपोलर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता, और आज अगर आपको बोला जाए, आज अगर सवाल आ जाए, तो बच्चों आज वर्ल्ड है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड। यूएसए ऑब्वियसली कुछ समय के लिए रहता है इकलौता बेताज बादशाह, ओके, लेकिन लेकिन आज जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर नहीं है बच्चों, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, क्योंकि कई सुपर पावर्स बन रहे हैं। चाइना जिनमें से एक आप कह सकते हो एक सुपर पावर बनने हुए है, रशिया अपने आप में एक सुपर पावर बन गया है, भारत भी एक सुपर पावर बनने वाला है आगे का, ओके, नए सुपर पावर ब्राजील वगैरह, ये भी आगे के फ्यूचर में सुपर पावर कंट्रीज हो सकते हैं। तो अगले अभी वर्ल्ड है मल्टीपोलर है, और ये मल्टीपोलर ही रहेगा आगे जाके भी। ओके, आर यू गेटिंग इट? सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है, खैर 1991 के अंदर, ओके, इट्स इज द यूनिपोलर वर्ल्ड इज फाउंड। ओके, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को बच्चों बढ़ावा दिया जाता है, अब क्या है, सोशलिस्ट समाजवाद और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को एक डाउनफॉल मिलता है, ओके, क्योंकि अब जो उसका जो मेन जो उसको पुश करने वाला जो देश होता है वो ही नहीं है, ओके, सोशलिज्म और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी एकदम अलग आइडियोलॉजी है, वो आपने पढ़ी होगी ये इकोनॉमी के अंदर। तो जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, वर्ल्ड बैंक का ज्यादा दबदबा हो जाता है दुनिया के अंदर, वर्ल्ड बैंक, IMF, आपको पता है ये यूएसए के और यूरोपियन कंट्री के बनाए हुए ही इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनको ज्यादा प्रमोशन मिलता है दुनिया के अंदर, ठीक है? बाल्टिक स्टेट्स, कई बच्चों ऐसे भी इसमें होते हैं, कई स्टेट्स जो कि यूएसए से तो अलग होते ही हैं, सॉरी यूएसएसआर से तो अलग होते ही हैं, और साथ में नेटो भी ज्वाइन कर लेते हैं, ओके, नेटो भी ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि अमेरिका का ग्रुप होता है। मैंने आपको बताया था ना पहले क्लास में, दो ग्रुप होते हैं, अमेरिका का नेटो होता है और यूएसएसआर का वॉरसो पैक्ट होता है। वॉरसो एक सिटी है पोलैंड का। तो कई देश ऐसे भी होते हैं
एक कदम आगे और चले जाते हैं, वो यूएसएसआर से अलग हो जाते हैं और जाके यूएसए में मिल जाते हैं, जो यूएसए का जो अलायंस है ये इसमें मिल जाते हैं, जैसे खासतौर पे एस्टोनिया, लतविया, ये वाले कंट्रीज। तो गाइज ये है और ये आपके यहाँ पे अपन इसको एंड करते हैं पार्ट वन को, और बच्चों कल मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट टू। ओके, कल मैं आपको पार्ट टू पढ़ाऊंगा। ओके गाइस, सो लेट्स एंड द क्लास और अपन मिल रहे हैं बच्चों 3 बजे दोबारा अनअकैडमी की ऐप के ऊपर मिलते हैं अपन 3 बजे। क्वेश्चंस करेंगे ज्योग्राफी की, ठीक है, ज्योग्राफी क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो इसी के साथ बच्चों सिक्योर प्रॉब्लम्स में मिल रहे हैं अपन 3 बजे आपके अनअकैडमी की ऐप के ऊपर, 3 PM पे मिल रहे हैं सिक्योर प्रॉब्लम्स में। तो गाइस अगर आप आइकॉनिक और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो आपके 28 अप्रैल से पहले, 28 अप्रैल से पहले, तो आपको ये बेनिफिट्स बुक्स का मिलेगा। 20 बुक्स है, बेस्ट बुक्स है, 10,000 रुपीज का कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिलेगा 28 तारीख से पहले, लेकिन आपको लेना है 1 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन। ओके, कोई सारे सब्सक्रिप्शन पे एप्लीकेबल है ये, जीएस हो, आइकॉनिक और कॉम्बो, ठीक है। 1 जून तक से आपको फिजिकल डिलीवरी घर तक आपके पहुंचा दी जाएगी किताबें, तो आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर तक ही किताबें पहुंचा दी जाएगी। बेस्ट एजुकेटर्स ने बनाई है ये बुक्स, आप ले सकते हो फायदा इनका। और वैसे भी लॉकडाउन लगा है तो ऑप्शन ज्यादा है नहीं, तो बच्चों अनअकैडमी को अपना सोर्स बनाइए तैयारी का। ओके, आप टॉप एजुकेटर से पढ़ते हो, आज से बैचेस भी चालू हो गए हैं, इन बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, एक स्ट्रक्चर्ड, एक अच्छे माहौल में, यार यहाँ पे गंदगी के साथ में नहीं, एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे बच्चे जो सारे के सारे सीरियस एग्जाम को लेके उनके साथ पढ़ो, अलग ही आपको फीलिंग ही अलग आएगी और स्ट्रक्चरिंग आपको पूरी मिलेगी। स्ट्रक्चर्ड क्लासे होती हैं, टाइम टेबल के हिसाब से क्लासे होती है, ऐसा नहीं कभी क्लास नहीं हो रही। मटेरियल आपको सारा अलग मिलेगा, हिंदी का मटेरियल अलग होता है, इंग्लिश का मटेरियल अलग होता है, सारा आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ, सब कुछ फ्री है, सारा टेस्ट सीरीज इसमें है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ आ गया आइकॉनिक और जीएस में। आइकॉनिक में जो 4 फायदे एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, पर्सनल मेंटर आपको एक मिलता है, मेंस की आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज भी उसमें इंक्लूड होती है। ओके, और आपकी आपका भी नाम यहाँ पे आ सकता है 2021 के अंदर, ये हमारे प्लस के स्टूडेंट्स हैं, और 2020 में ऑब्वियसली और बड़ी लिस्ट होगी ये, तो हर साल अनअकैडमी का जो रोल है वो तो बढ़ेगा ही। तो 2021 से बच्चों आपका नाम चाहिए मेरे को यहाँ पे प्लस में, सीएसई सक्सेस स्टोरीज, हमारी जो प्लस की सक्सेस स्टोरीज है। ओके, व्हेनेवर यू गो गाइस, यू जस्ट यूज माय कोड, बिकॉज दिस कोड कम्स विद 10% डिस्काउंट, आपको हर कोड से मिलता है, मेरे कोड में आपको अश्योर्ड मेंटरिंग गाइडेंस मेरे से भी मिलेगी फोन के ऊपर, ठीक है। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे Siddharth_UN पे, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी बच्चों वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है, ईमेल वगैरह, टेलीग्राम चैनल, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन कब, जब पूरा हो जाएगा, जब ये पूरा हो जाएगा, तब जब ये पूरा हो जाएगा इंडो रशिया रिलेशन, तब भेजूंगा मैं इसका पीडीएफ। ओके, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, टेलीग्राम वेलीग्राम का सबका लिंक आपको, ईमेल वगैरह का इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, ओपन प्रोफाइल है, पब्लिक प्रोफाइल है, ऑफिशियल अकाउंट है, यहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हो। ओके, सो दिस इज द थिंग गाइस, गो टेक द सब्सक्रिप्शन बच्चों, और आपको बहुत बेहतर लगेगा, मेरी गारंटी है, आप बहुत बेटर और कॉन्फिडेंट फील करोगे। गाइडेंस मेंटरिंग प्रोग्राम में आपको हर चीज बताऊंगा, प्लस का भी कैसे यूज लेना है बेस्ट, उसमें भी ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है, एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू ऑन द फोन। ओके, और गाइस जब भी आप जाएं प्लस आइकॉनिक, जो भी आपको सही लगे, बजट फ्रेंडली लगे वो लो, मगर बच्चों कॉम्बो आपको लेना चाहिए, ठीक है, कॉम्बो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए, क्योंकि कॉम्बो में गाइज आपको SID UPSC कोड के साथ में 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा कॉम्बो में, आपका ऑप्शनल भी बच्चों कवर हो जाएगा, ऑप्शनल के साथ आप ले सकते हो, 1 ईयर ऑप्शनल ले लो बस काफी है, 1 ईयर के लिए ऑप्शनल का ले लो, और उसके साथ आप 1 ईयर प्लस या आइकॉनिक या 2 ईयर प्लस या आइकॉनिक, बच्चों बेस्ट प्लान है, पॉकेट फ्रेंडली। ओके, और सब कुछ हो रहा है, आपको गाइस ऑप्शनल देना ही है, पढ़ना ही, मेंस दोगे ही, ऑप्शनल तो पढ़ना पड़ेगा ही, अलग से उसको लोगे 25,000-30,000 रुपए का है ऑप्शनल का, अलग से लेना लोगे 1 साल का, कॉम्बो में लोगे 13,000-14,000 का पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, कोड यूज करना है SID UPSC, 25-30% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा दोनों पे। ओके, और बेस्ट है बाद में लोगे, आप बच्चे लेना चाह रहे हैं अलग से ले रहे हैं, पहले प्लस ले चुके हैं,
तो अलग से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो आपकी समझ गया आई होप क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो गो फॉर कॉम्बो, ओके, यूज माय कोड। प्रॉब्लम हो तो बच्चों टेलीग्राम पे आप लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, अनअकैडमी की ऐप पे भी आप बात कर सकते हो आप, ओके, बकायदा। सो इसी के साथ गाइज आई वुड लाइक टू टेक योर लीव्स, काफी टाइम हो गया है। सो मिलते हैं अपन 3 बजे, क्वेश्चंस करते हैं ज्योग्राफी के सिक्योर प्रॉब्लम्स इनिशिएटिव में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।